नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के इस विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एस एन विनोद अपने वरिष्ठ सहयोगी जोसेफ राव के साथ हाजिर हूँ आज की प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल के दिनों में कश्मीर घाटी में पंडितों की हत्या की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सरकारी दावों के बावजूद हकीकत यह है कि वहाँ पर टारगेट किलिंग के नाम से चून चून कर हिंदू पंडितों को मारा जा रहा है। और तो और, अब जो उनके संगठन ने यह भी कह दिया कि अब या तो आप दिल्ली चले जाओ या जम्मू चले जाओ, मैंने कश्मीर घाटी छोड़ दो, इतना डर इतना भय व्याप्त हो गया उनमें। क्या हुआ सरकारी दावों का? ध्यान रखिए कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर और संसद के बाहर यह दावा किया था कि नोटबंदी के बाद और विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आतंकी मांग में चले गए हैं, भाग गए हैं, अमन चैन लौटने लगे हैं घाटी में। लेकिन वास्तविकता क्या है? आए दिन प्राय प्रतिदिन घाटी में पंडितों की हत्या, वो अन्य अराजक तत्वों की गुंडागर्दी की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो दावा हमारी सरकार कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री कर रहे हैं कश्मीर घाटी को लेकर, उन दावों का सच क्या है? और क्या सचमुच कश्मीर पर से हमारा नियंत्रण उठ चुका है? देखिए, आपने सही विषय पर आज बात की है। कश्मीरी पंडितों पर टारगेट किलिंग जो बताया आपने, सही बताया। इसके अलावा भी ये जो मानने वाले लोग हैं, आतंकवादी हैं या जो भी लोग हैं, जो पुलिसकर्मी अभी सर्विस में है और जब छुट्टियों में अपने घर जाते हैं तो वहाँ उनके घर जाके उनको मारते हैं, उनके साथ उनकी हत्या करते हैं, तो ये दौर थंबा नहीं है। जैसा कि दावा किया गया था कि 370 हटने के बाद अमन चैन आ जाएगा और एक शांति आ जाएगी और घाटी जो है या वैली जिसको हम कश्मीर वैली जो बोलते हैं वहाँ सब अमन चैन रहेगा, वैसा हुआ नहीं है। और अभी कल की जो घटना है उसमें दो भाइयों को, मतलब उन पर जो अटैक हुआ, दो भाई पंडितों पर, और ये भी कहा जा रहा है कि अभी आप कश्मीर छोड़कर जाइए, आप दिल्ली जाइए, दिल्ली तो जाइए, जम्मू जाइए, जम्मू जाइए, कश्मीर श्रीनगर में नहीं चाहिए। क्योंकि पहले ये लोग विस्थापित जो है वो कैंप में थे, फिर ऐसा लगा कि शायद अभी सब ठीक हो रहा है इसलिए कुछ लोग वहाँ बसना चाहते हैं, वो अपनी पैतृक संपत्ति छोड़कर, अपना पैतृक निवास छोड़कर इधर आए थे। जिन परिस्थितियों में आया वो सबको मालूम है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं हमारे दर्शकों को। मगर ये जो है सिलसिला जो है, हर 2-4, 8 दिन में 15 दिन में इस तरह की घटनाएँ हो रही है। और वहाँ से अभी भी ये जो है आतंक और जो घटनाएं हैं ख़त्म नहीं हुई है। सरकार ने बहुत दावे किए हैं और आगे भी शायद वो करते रहेंगे कि अभी वहाँ पर घटनाएं बंद हो गई है, होने वाली है, आतंकवादी जो है वो चले गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आपने जो सरकारी दावे की बात की है, मैं आपसे बताना चाहूँगा, सरकार की ओर से यह भी दावा किया गया कि जो पंडित हिंदू पंडित वहाँ से पलायन कर चुके थे, हट चुके थे, वो वापसी हो रही है, वापसी वो आ जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अब वहाँ के पंडित कह रहे हैं कि हमें सुरक्षित जगह पहुँचाओ, हमें या तो जम्मू भेज दो या दिल्ली भेज दो, यहाँ नहीं रहना चाहते हैं वो। तो ये जो सरकारी दावे थे जो, वो भी गलत साबित हो रहा है। नहीं, आपने जो बताया वो कुछ लोग कश्मीरी पंडित वापस जा रहे हैं, वापस नहीं, उनको भेजा गया। ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसा आवाज़ होता है उनको कि वो लोग वापस जा रहे हैं, वापस नहीं जाते हैं, उनको अधिकारी लोग उनका पीछा करते हैं कि देखो सब ठीक हो गया, आप जाइए जाइए। कुछ लोग
को लगता है कि शायद बात ये जो अधिकारी बोल रहे हैं इनकी बात में कोई दम होगा, कोई सच्चाई होगी, इसलिए चले गए और वहाँ वो जाके ट्रैप में आ गए, फंस गए वहाँ जाके। अभी उनको फिर से वो जो है फिर घाटी में अशांति आ गई है और फिर से उनको या तो पलायन करना होगा या तो फिर मौत का सामना करना होगा। बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है क्योंकि हम लोग इतने साल में भी अभी तक कश्मीर की समस्या हमने कोई समाधान खोजा नहीं है और धारा 370 के नाम पर हमने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा, वहाँ लोग प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। अभी तक प्रॉपर्टी खरीदने का सवाल ही नहीं आता, जो है उनको ही संभालना मुश्किल हो रहा है वहाँ के लोगों का। बिल्कुल। तो नया आदमी जो है इधर बाकी प्रदेश से जाएगा कैसे उधर? कोई सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है ना। कोई अपने पैसे और अपनी संपत्ति और अपना समय बर्बाद करेगा और उधर प्रॉपर्टी लेने जाएगा और वहाँ अगर कोई रिसोर्ट होटल या कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता है कैसे कर पाएगा ये? नहीं, इसमें थोड़ा सा दर्शकों को यह बताने की कोशिश करें कि आखिर इसका समाधान क्या है, इसका क्या रास्ता निकाला जा सकता है कि कश्मीर घाटी में शांति व्याप्त हो और हिंदू पंडित भी अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ऐसी है कि वहाँ पर अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जो एक सरकार होनी चाहिए जिसके ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि ये फलानी जवाबदारी जो है राज्य सरकार की है, ये फलां जवाबदारी जो है केंद्र सरकार की है, ये फलां जवाबदारी जो है ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस उनकी है या मिलिट्री की है या लोकल पुलिस की है। अभी वो सरकार का अभाव है, चुनी हुई सरकार नहीं है वहाँ पर, इसलिए जो चल रहा है वो सारा केंद्र के इशारे से होता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी उनके इसमें काम कर रही है, मिलिट्री भी उनके इसमें है और लोकल पुलिस जो है अपने ढंग से काम कर रही है। लोकल पुलिस इतनी इक्विप नहीं है, उतनी सक्षम नहीं है, उनका मनोबल अच्छा है, शायद उनके पास हथियार भी होंगे, मगर वो जो लीडरशिप जो चाहिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट होगी तो उसको आप निश्चित रूप से उसको एक आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि और वो भी काम कर सकती है कि अभी अपने को इस दिशा में काम करना है, ये यहाँ लूप होल्स है इसको प्लग करना होगा, इसको ये जो आतंकवादियों के अड्डे है या जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ से लोग आते हैं अंदर आते हैं, उनको सबको ये सब करने के लिए एक वहाँ पर चुनी सरकार का होना ज़रूरी है। और अब मुझे लगता है अभी और फिलहाल 3-4 महीने या 6 महीने वहाँ पर कोई चुनाव की संभावना नहीं है। जब चुनाव होंगे, जब सरकार आएगी, चाहे कोई भी सरकार हो, तब उसके बाद ये थोड़ा इसके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है, नहीं तो फिलहाल जो घटना हो रही है उसमें कम ज़्यादा ये तो होता रहने वाला है। नहीं, लेकिन इसमें एक शंका यह है जो इतिहास गवाह है कि इसके पहले जब वहाँ निर्वाचित सरकारें थीं तो निर्वाचित सरकारों का दिन भी ऐसी घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई और केंद्र का ही आरोप होता था कि वो नियंत्रण नहीं है, सरकारें बर्खास्त की जाती रही हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा, गवर्नर शासन लगा वहाँ पर हुआ, तो ये भी स्थिति है। और जब जब वहाँ चुनाव हुए तो स्थिति जो है चूँकि यह एक कड़वा सच है कि वहाँ निर्वाचन की जब बात आती, चुनाव की बात आती है तो कुछ ऐसे तत्वों के हाथ में सत्ता चली जाती है जिन पर केंद्र का विश्वास नहीं है, जबकि जनता वहाँ निर्वाचित करती है। ऐसे में जो निर्वाचित सरकार की जो बात आप कर रहे हैं कि वो आएंगे तो फिर वहाँ पर शांति कायम होगी, ये तो संदिग्ध है, ये कैसे होगा? देखिए, आपने सरकार के ये जो बताया आपने बराबर है। पिछली बार एक दफ़ा वहाँ माननीय श्रीमती महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग दोनों थे। फिर आप किसको दोष देंगे? अभी आप मुफ्ती सरकार को दोष देंगे या भाजपा सर जो साझेदार है उनको दोष देंगे? तो ऐसा नहीं है, मतलब जो भी लोग आए हैं ये आतंकवादी अलग ही विषय है, मगर एक जवाबदारी तो फिक्स होनी चाहिए। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या किया? केंद्र में भी आप हैं और वहाँ भी आपकी सरकार है, मिलीजुली सरकार है, अगर दोनों जगह आपकी सरकार है तो इफेक्टिव काम होना चाहिए ना, कारगर कदम उठाने जाने चाहिए। सिर्फ राज्य सरकार के भरोसे आप अगर छोड़ दे तो ये भी ठीक नहीं है।
और आपको केंद्र से पूरी मदद मिल रही है, तो राज्य सरकार को भी पूरा अपना जो है पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए कि ये दोबारा ये घटनाएं ना हो, कि आतंकवादी यहाँ गतिविधियाँ बढ़े नहीं। मगर कौन सी कमियाँ रह जाती है मुझे समझ में नहीं आता है। और जो है इनोसेंट जो लोग हैं, बेकसूर लोग जो ऐसे मारे जाते हैं, हमारे आर्म फोर्सेस पर भी हमला हुआ है, हमारे पुलिस बलों पर भी हमला हुआ है, हमारे जो सेना और जवानों पर भी हमला हुआ है, टारगेट करके मारा जाता है। तो ये घटनाएं कब बंद होगी? और हर बार हम बोलते हैं कि ये विदेशी ताकत यानी अक्रॉस द बॉर्डर कहते हैं हम कि ये बॉर्डर के उधर से आए लोग हैं, इसका कोई परमानेंट इलाज होना चाहिए। ये कब तक हम ये दोष देते रहेंगे कि वहाँ से आए और मार के पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, आतंकवादी आए और मार के चले गए, ये कब तक चलेगा? इसका कोई एक सोल्यूशन निकलना चाहिए, एक हल निकलना चाहिए। और पिछली बार हम लोगों ने वहाँ पर उनके यहाँ उनके सीमा के में जाकर वहाँ पर हमने बमबारी की थी, वहाँ पर उनके कैंप जो है आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने वाले कैंप, उसको हमने बर्बाद किए थे, नष्ट किए थे। अभी दोबारा भी हमको करना पड़ सकता है, क्योंकि हर बार हम हाथ जोड़ के और वार्निंग देकर, मौखिक वार्निंग देने से काम नहीं होगा। इस पार या उस पार की एक बार लड़ाई हो जाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आपने बिल्कुल सही, वहाँ जो जो भी कैंप है हमारे पास पूरी जानकारी रहती है, कौन से एरिया में कैंप लगे हुए, ट्रेनिंग हो रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं। तो इसका कोई हमने सोल्यूशन निकालना चाहिए और फिर से एक बार वो सीमा में घुसकर उनको एक सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल, इसका जो एक ऐसा समाधान निकले जो हमेशा के लिए, इसका एक अस्थाई समाधान निकालना जरूरी है, अन्यथा इस प्रकार के। और इस मामले में थोड़ा हम इतिहास में चले पीछे, ध्यान रखें, अविभाजित पाकिस्तान जब ईस्ट पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, हमारी भारतीय सीमा से लगा, वह हर दिन प्राय प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाएं होती थी जो छेड़छाड़ उस सीमा के पार से हुआ करती थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने सैनिक कार्रवाई की, सेना को भेजा और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। आज बांग्लादेश का वहाँ उदय हुआ, वह स्थायी रूप से उस सीमा शांत हो गई जो हमेशा वहाँ परेशानी को। तो कुछ ऐसे कदम कश्मीर के मामले में भी केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, इसका स्थायी समाधान निकाले। नहीं तो हर दिन सरकार चाहे जो हो, चाहे निर्वाचित सरकार हो, चाहे केंद्र शासित व गवर्नर का शासन हो, हमेशा यह आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और वहाँ शांति कायम नहीं होगी। क्योंकि जबकि कश्मीर सरताज है हमारा, पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, आन बान शान है हमारे भारत की, वहाँ पर इस तरह शांति रहे और सीमा पार से पूरे कश्मीर पर दावा किया जाता रहे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाकर का अपना दावा करता है, इसका अस्थाई समाधान आवश्यक है। एक बार हिम्मत करके कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और भारत इतना सक्षम है कि इसका अस्थाई समाधान निकाल सकता है। जरूरत है सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल इसकी जरूरत है। तो हम उम्मीद करें कि केंद्र सरकार इस पर चिंतन मनन करेगी और कश्मीर में स्थायी शांति की दिशा में कदम उठाए, कड़े कदम उठाए। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं फिर एक बार अपने महाराष्ट्र में, जैसे आज हमारे महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा नई सरकार में, और नई सरकार सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे, जो आज भी शिवसेना का एक गुट है जो कहते हैं, जो वहाँ से छोड़ करके आए हैं, उन पर आरोप लगते हैं कि वो बागी हो गए हैं, दूसरे कहते हैं कि विश्वासघाती हो गए, ये सब आरोप लग रहे हैं, आज वो आमने सामने होंगे। इसके पूर्व हमेशा जो एक परंपरा रही हुई है कि विधानसभा सत्र शुरू होने के पूर्व संध्या पर सत्ता पक्ष की ओर से सारे दलों के एक चाय पार्टी का आयोजन होता है, लेकिन यहाँ हमारे विपक्ष ने उसका बायकॉट किया, तो उसका बने और जिस प्रकार से आरोप लगे, प्रतिपक्ष के नेता अजीत पवार ने सीधा आरोप लगाया कि चूंकि वे लोग असर था एकनाथ शिंदे गुट, उनकी सरकार लोकतंत्र को खत्म करके सत्ता में आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र को खत्म करके सत्ता में आए हैं, हमारी नज़र में वे
कोई लोकतांत्रिक सरकार का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका बहिष्कार किया। ये आरोप प्रतिपक्ष के नेता अजीत पवार का है। हालांकि थोड़ा जवाब आया, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से जवाब भी आ गया कि हम जन विश्वास जीत कर आए हैं, हम बेईमान नहीं हैं। जन विश्वास से उनका आशय था जो विधानसभा में बहुमत साबित करने का जो, तो उनका जब, लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि कोई अपने बलबूते पर उन्होंने सुने किया, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अपना बहुमत साबित किया। और ये लोकतंत्र में होता आया है, एक नहीं कई घटनाएं। जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो परस्पर एक दूसरे का सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता रहता है। लेकिन इससे ऐसा लगता है कि जिसको स्मूथ सेलिंग बोलते हैं वह तो एकनाथ शिंदे सरकार में होना अभी संदिग्ध लग रहा है। तो क्या इससे हमारे प्रदेश, महाराष्ट्र प्रदेश की विकास की गति धीमी नहीं पड़ जाएगी? नहीं, ये तो विधानसभा अधिवेशन में ये तो होना ही था, नया कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस ढंग से सरकार बदली है और मामला गर्म है, तो ये जो माननीय उद्धव ठाकरे की जो ग्रुप के लोग हैं और माननीय एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है, ये इनमें आपस में एक भिड़ंत तो होनी है और कटुता बढ़ने वाली है। क्योंकि ये लोग उनको दोष दे रहे हैं कि आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है, और ये एकनाथ शिंदे के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपने हिंदुत्व की लाइन छोड़कर अपने कांग्रेस और राष्ट्रवादी से मिलकर सरकार बनाई और जो लोगों को पसंद नहीं था इसलिए हम अलग हुए। बहुत सारी बातें, अलग अलग आर्गुमेंट्स किए जा रहे हैं, मगर ये जो कटुता है ये बढ़ने वाली है और ये पूरे सत्र में ये कोई आसानी से होने वाला कामकाज जो आसानी से होने वाला नहीं है। आज ही सुबह की घटना ऐसी है कि घोषणाबाजी दोनों ओर से चालू है और माननीय उद्धव ठाकरे के जो लोग हैं, ग्रुप के जो लोग हैं, उन्होंने अपना प्रहार तीखा कर दिया है और इनके ऊपर हमले तेज कर दिए। वहीं ये एकनाथ शिंदे के जो सारे लोग हैं वो थोड़ी देर इसमें सीढ़ियों पे बैठे और बाद में अधिवेशन में अंदर चले गए हैं। और अभी एक नया धमाका शायद आज हो सकता है। आजकल में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है मोहित खम्बोज, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है कि सिंचन घोटाला, महाराष्ट्र में एक सिंचन घोटाला बहुत चर्चा में रहा, मगर क्या घोटाला अभी तक बहुत सामने नहीं आया है, मगर सिंचन घोटाले की चर्चा बहुत है, वो जल्द ही उसका पर्दाफाश होगा और एक बड़े नेता को जेल में जाना होगा। इसमें जो आपने कहा सिंचाई घोटाला के बारे में, ये सही है कि पिछले दिनों सिंचाई घोटाला काफ़ी चर्चित रहा था और अजीत पवार का नाम, प्रतिपक्ष के नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता, उनका नाम सामने प्रकट हुआ था। जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो आज इशारा किया गया, ये सही है कि निशाने पर अभी अजीत पवार है। चूँकि हाल के दिनों में अभी जो महाविकास आघाड़ी, एक तरह से नेतृत्व उसका NCP ने किया, कहने को उद्धव ठाकरे हैं लेकिन NCP की सारी योजना रणनीति उनकी रही और अजीत पवार सामने रख करके, ठीक है शरद पवार रणनीतिकार है, चाणक्य है, लेकिन अजीत पवार ही सामने रख करते इसलिए। और आज के दिनों में देखा कि न केवल महाराष्ट्र में, पूरे देश में अब यह जो है सत्ता पक्ष की ओर से हर जगह आक्रामक रणनीति अपनाई जा रही है, सीधा वार करने की। पहले वाक युद्ध हुआ करते थे, एक दूसरे पर शब्दों को प्रहार करके आरोप प्रत्यारोप चलते थे, लेकिन अब जैसे कहा कि कई लोग जेल में, ये पूरे देश में हालत है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। अब इस तरह से सीधा वार किया जाता है, सीधा प्रहार किया जाता है, उसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अजीत पवार कहाँ रहते हैं, उनका नया ठिकाना कौन सा रहता है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जेल में एक जगह खाली है, यह देखना दिलचस्प होगा। चलिए, तो आज के चर्चा को हम ही विराम देते हैं, हम फिर मिलेंगे आगे प्रेस क्लब में नई चर्चा के साथ, नए विषयों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।